हाँ जी ज्वाइन मेरे से भी ज्वाइन हो जाए तो अपन एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन में अपन ने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। नेचर ऑफ फील्ड के आधार पर अपन ने शुरू किया था, ठीक है। तो अब पहला लैंड सर्वे, लैंड सर्वे के अंदर पहला टोपोग्राफिकल सर्वे। भैया क्वेश्चन आते हैं इसी से ही ज्यादा आते हैं, बाकी क्लासिफिकेशन से नहीं आते हैं, इसी से ही आते हैं। तो लैंड सर्वे के अंदर पहला है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे के अंदर पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। है ना, टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है भैया, इसमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन, मतलब मेजरमेंट लेके लोकेशन बता करते हैं, सॉरी, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सर्वे कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड इज मेड टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर एंड आर्टिफिशियल फीचर, ठीक है ना। यानी टोपोग्राफिक सर्वे में हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल लोकेशन ज्ञात की जाती है पॉइंट की, रेखीय व कोणीय मापन के द्वारा, ठीक है ना, और प्राकृतिक फीचर और कृत्रिम फीचर जाने जाते हैं। यानी मैं ये कहूं क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन क्या डिटरमाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए क्या क्या करते हैं, इसके लिए क्या क्या करते हैं, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब स्थल आकृति के एक तरीके से, उसकी स्थल की आकृति वगैरह पता करना, ठीक है ना, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट किए जाते हैं। और नेचुरल और मैनमेड फीचर या आर्टिफिशियल फीचर्स को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर को डिटरमाइन किया जाता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर को डिटरमाइन किया जाता ठीक है ना। तो ये आपका टोपोग्राफिकल सर्वे में आता है, ठीक है ना। ये आपका किस में आता है, टोपोग्राफिकल सर्वे में आता है, ठीक है, कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन डिटरमाइन करेंगे लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट के द्वारा, और इससे नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर पता किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूं कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे आपका रेलवे स्टेशन है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर पता किए जाते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में। रफ कर रहा हूं भैया, सेकंड कैडस्ट्रल सर्वे। भैया कैडस्ट्रल का जुड़ाव हो गया कैश से, कैडस्ट्रल का जुड़ाव हो गया कैश से, कैश से, ठीक है ना, कैडस्ट्रल सर्वे। हाँ जी, कैश से जुड़ाव हो गया इसका, ठीक है ना, कैडस्ट्रल सर्वे का जुड़ाव हो गया कैश से, ठीक है ना। तो भैया कैश कहां से आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा, तो प्रॉपर्टी लाइन या बाउंड्री लाइन की जो फिक्सिंग होती है वो इसमें की जाती है, ठीक प्रॉपर्टी लाइन या बाउंड्री लाइन। हाँ जी भैया, लैंड एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जैसे अपन लैंड ट्रांसफर वगैरह भी होती है, ठीक है ना। कोई जो आपके जो म्युनिसिपल है उनकी जो बाउंड्रीज वगैरह तय होती हैं, ठीक है ना, सब इसी में ही होती हैं। स्टेट की बाउंड्री है, ठीक है ना, स्टेट बाउंड्री है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्री है, ठीक
है ना, जो नगर परिषद वगैरह है ये सब इसी से ही तय होती है। स्टेट बाउंड्री हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्री हो गई, लिमिट्स जो बोलते हैं आप, वो सब इसी से ही तय होती है। जैसे आता है ना कि आप दिल्ली जाओगे एनडीआरएम की सीमा स्टार्ट, ठीक है ना, या अलवर की सीमा स्टार्ट, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ अलवर की सीमा स्टार्ट, अलवर के नगर परिषद की सीमा स्टार्ट, ऐसे आता है ना, ये सब इसी से डिसाइड होती है, इसी में ही डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो ये आपका फिक्सिंग करता है प्रॉपर्टी लाइन और बाउंड्री लाइन को, ठीक है ना। ठीक है, किसके लिए लैंड एरिया कैलकुलेशन है, भैया कितना एरिया किसके अंदर है, ये सब इसके लिए आपका आता है कैडेस्ट्रल सर्वे में। तो जहां पर आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर आ जाए टॉपोग्राफिक, जहां पे आपका आ जाए कि भैया लैंड एरिया वगैरह के लिए आपको फिक्स करनी है, बाउंड्रीज वगैरह फिक्स करनी है, तो वहां कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। भैया टॉपोग्राफिक में तो फीचर्स बता रहा है, इसमें आपका बाउंड्रीज फिक्स कर रहा है। अगला सिटी सर्वे, सिटी सर्वे किसके लिए होगा, भैया सिटी की जो आवश्यकता है, ठीक है ना, सिटी की जो आवश्यकता है, सिटी सर्वे। हाँ जी, सिटी सर्वे, सिटी सर्वे में क्या होता है जी, ये किसके लिए होती है, प्रमाइसेस को लोकेट करने के लिए, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, सैनिटरी सिस्टम, इन सब के लिए होती है, ठीक है ना। कैरिड आउट टू लोकेट, भैया जैसे आता है ना कि ये अपन कॉलोनी डेवलप करेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट में ही तो होता है, कॉलोनी डेवलप होती है, ठीक है। ठीक है ना, ये सबके लिए आपका क्या हो जाती है, ठीक है, ये आपका जो प्रमाइसेस मतलब जगह, जगह आपका प्रमाइसेस, जैसे अपन नहीं करते कि यहाँ पे ये आपका लिविंग लोगों के रहने के हिसाब से होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपके इंडस्ट्री एरिया होगा, वो प्रमाइसेस डिसाइड नहीं होते हैं। या सिटी की जो मूलभूत आवश्यकता हो गई, जैसे सिटी को बांटा नहीं जाता कि जैसे मैं कहूं कि हमारे यहाँ जैसे एमआईए है अलवर में, ठीक है ना, अलवर में जैसे एमआईए है तो वहां पर सारी इंडस्ट्रीज हो गई, तो बांटा जाता है ना सिटी को अलग अलग प्रमाइसेस में कि भैया यहाँ पर आपका रहने लोग रह रहे हैं, ये आपका जैसे एजुकेशन जोन हो गया, अलग अलग तरीके से ऐसा बांटा जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से बांटा जाता है, तो वो आपका सिटी सर्वे में आ गया। तो ये पहला सर्वे हमारा खत्म हुआ, लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में हमने तीन पढ़े, ठीक है ना, लैंड सर्वे में हमने तीन पढ़े, ठीक है, तो आपका ये तीनों कंप्लीट हो गए। अरे यार इसके नोट्स हिंदी के भी, इसके तो हिंदी के भी डले हुए हैं, ये वाला पार्ट तो हिंदी में भी डला हुआ है, ये वाला पार्ट हिंदी में भी डला हुआ है, एक बार देखना ग्रुप, देख लेना एक बार मेरी नजरों से, देख लेना एक बार ग्रुप, ये हिंदी में भी डला हुआ है, ये वाला शुरू का भाग हिंदी में भी डाल रखा है ग्रुप में, एक बार मेरी नजरों से देख लेना बस सूर्य शर्मा, क्योंकि आपकी नजरें क्या है कि आपकी नजरें होती है ऊपरी तौर पे, मेरी नजरें होती है गहराई से देखने वाली, तो मेरी नजरों जैसे मैं देखता हूं ना गहराई से, ऐसे एक बार देख लेना। ग्रुप में से ही उठाए हैं ये सुबह नोट्स, ग्रुप में से ही उठाए हैं ये सुबह नोट्स, ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं, और क्या समझ नहीं आ रहा तो समझने पे ध्यान दो ना, आपको मैं समझने पे ध्यान देने के लिए कहता हूं, आप हिंदी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बात बताऊं, इंसान अपने पतन की वजह खुद होता है, पतन समझते हैं आप, फॉल, इंसान अपने पतन की वजह खुद होता है, फॉल की वजह खुद होता है, कोई और नहीं होता, कोई तब तक आपको गिरा नहीं सकता जब तक आपकी गिरने की इच्छा ना हो। देखो धक्का देकर चले गिरोगे दोबारा उठ सकते हो, लेकिन जब आपकी उठने की इच्छा नहीं है, भैया किसी ने मेरे को धक्का दिया लेकिन मेरी उठने की इच्छा है तो मैं उठ के आगे आ जाऊंगा, लेकिन लेकिन ठीक है ना, आपका जो है हाइड्रोग्राफिक है, लेकिन जब तक मेरी उठने की इच्छा नहीं है ना, ठीक है ना,
मेरी उठने की इच्छा नहीं है तो कोई भी मुझे गिरा देगा। ठीक है, तो भैया आपके फॉल की वजह आप खुद हैं, ठीक है ना सूरज शर्मा, आप खुद हैं फॉल की वजह, आप खुद इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आपको सामने वाला कहे यार ये पागल है यार ये लड़का, सामने वाला कहे ठीक है ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो ये क्या है कि आप जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करेंगे यार ऐसा क्या हाइड्रोग्राफिक में ऐसा क्या है जो आपको दिक्कत हो रही है। भैया अपने पतन की वजह खुद मत बनो, अपने आप को मजबूत करो, टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में रखो, मजबूत करते जाओ, जितना अपने आप को मजबूत करोगे उतना ही फायदे में रहोगे भैया, लूज पड़े रहोगे। ठीक है ना, आपको क्या कि सराउंडिंग माहौल जो है ना लूज रहने के लिए कहता है, आप लूज हो जाते हो। और मैं आपको कहता हूं मतलब ये बताओ सराउंडिंग माहौल आपका ज्यादा फायदा सोचेगा या मैं या आपके पेरेंट्स ज्यादा फायदा सोचेंगे, एक बार बताओ सराउंडिंग माहौल ज्यादा फायदा सोचेगा या मैं या आपके पेरेंट्स, ठीक है कौन फायदा ज्यादा सोचेगा बताना एक बार जरा। हाँ जी एक बार बताएंगे जरा कौन ज्यादा फायदा सोचेगा। हाँ जी भाई मेरा फायदा आपसे जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दे देना भैया, मेरा फायदा आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है ये बता देना एक बार, सिंपल सी बात बता देना, क्या मेरा फायदा आपसे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना मेरा फायदा आपसे। तो भैया मैं भी यही कहना चाह रहा हूं अपने आप को लूज मत रखो दुनिया के कहने पे, अपने दिमाग को मजबूत करो। मैं भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ हूं भैया, ठीक है ना, हमने भी 12th तक हिंदी मीडियम ही पढ़ा था फिर इंग्लिश में गए, थोड़ा सा यार आपको मैं बोल तो हिंदी रहा हूं कम से कम, हमें तो यार पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं आ रहे थे, हमें तो मेनली पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं आते थे। अब यार खामा का घबराते हैं यार, खुद ही खुद के पतन की वजह बन जाते हैं। अपनी मजबूती रखिए, अपने आप को हारने मत दीजिए, मजबूती रखिए अपनी। अजी हाइड्रोग्राफिक एंड मैराइन सर्वे, ठीक है हाइड्रोग्राफिक एंड मैराइन सर्वे में बात करें, ये क्या कहता है लार्ज वाटर बॉडीज को डील करता है, ठीक है ना, ये क्या कहता है लार्ज वाटर बॉडीज को डील करता है। हाँ एक और बात, ये बात तो तुम्हें मैंने हिंदी में सूरज ने तो शुरू में कर भी रखा है, हिंदी में भी लिखा रखा है, तो भैया सर्वे में, सर्वे तो मेरी ऑफलाइन में हो गई थी सूरज तुम्हारा उसमें नहीं थी क्या, हो गई थी मेरे को तो सर्वे गया ना 2-3 चैप्टर के अलावा सारा हो गया था सर्वे। हाँ जी हाइड्रोग्राफिक एंड मैराइन सर्वे, फिर भी यार घबराता रहता है यार पता नहीं क्यों, मेरे को तो समझ नहीं आती, अपने हार के लिए खुद ही जिम्मेदार हो जाते हैं लोग। हाँ जी देखिए हाइड्रोग्राफिक एंड मैराइन सर्वे इट डील्स विद द लार्ज वाटर बॉडीज, इट डील्स विद द लार्ज वाटर बॉडीज। भैया सभी लोग अपने अंदर मजबूती रखो, ये नहीं है तुम्हारा दोस्त कहे, तुम्हारा दोस्त कहे कि भैया हार मान लो तो तुम हार मान गए, अरे यार ऐसे कैसे हार मान लेंगे, ऐसे कैसे हार मान लेंगे। हाँ जी इट डील्स विद दी लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है भैया जब तक जज्बा नहीं होगा ना, जज्बा वैसा ही जज्बा चाहिए जो किसी भी चीज के लिए, जैसे बचपन में जिद कर देते ना कि मुझे ये चाहिए, बचपन में जिद भी होगी ना जिद मुझे ये चाहिए, वो जज्बा वो जिद जब आपको जॉब के लिए आ जाएगी ना, हाँ ये चाहिए जॉब चाहिए बस कुछ भी हो जाए एनी हाउ मुझे ये जॉब चाहिए, जिस दिन ये जज्बा ये जिद आ गई ना हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करेगी, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं करेगी। हाँ जी इट डील्स विद दी लार्ज वाटर बॉडीज फॉर दी वाटर सप्लाई नेविगेशन ईटीसी, फॉर दी वाटर सप्लाई नेविगेशन ईटीसी, वाटर सप्लाई नेविगेशन ईटीसी। भैया ये क्या है लार्ज वाटर बॉडीज को डील करता है, नेविगेशन का मतलब ऐसे होता है, अभी आपने सुना हुआ कुछ टाइम पहले कि गंगा पे आप नेविगेट हो रहा है, ठीक है, या अपन कहें कि समुद्रों के रास्ते जो हमारा जो माल जाता है यहां से गुड्स जाते हैं, यहां से जाते हैं बाहर से आते हैं गुड्स आते हैं ना बंदरगाहों पर, तो वो नेविगेट होकर के ही तो जाएंगे, ठीक है ना, तो वही बात है कि ये लार्ज वाटर बॉडीज से डील करता है, लार्ज वाटर बॉडीज से डील करता है, ठीक है ना, और वाटर सप्लाई नेविगेशन और भी कई है चीजें नेविगेशन के अलावा, आपका जैसे हार्बर डॉक ये काफी चीजें हैं,
कि इनके लिए करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे किससे डील करता है, लार्ज वाटर बॉडीज से। किससे डील करता है, लार्ज वाटर बॉडीज से डील करता है, ठीक है ना, लार्ज वाटर बॉडीज से डील करता है। ठीक है, रख कर रहा हूं मैं। इसमें आपके और भी कई चीजें शामिल है, इसमें मीन सी लेवल का पता करना, ठीक है ना, और आपका जो मीन सी लेवल के अलावा आपका क्या डेप्थ वगैरह है वो सब पता करना, ये सब इसमें आता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में ही आता है। पर क्वेश्चन पूछता है कि जो लार्ज वाटर बॉडी से डील करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आज आपका मैं प्रिंसिपल तक करा दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, ठीक है। जो थर्ड है, थर्ड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। भैया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे एब्सोल्यूट लोकेशन पता करने के लिए होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या समझते हैं, जो कि किसी के सापेक्ष ना हो, ठीक है भैया। एब्सोल्यूट होता है, सिंपल सी बात कहें, एक के सापेक्ष हो, या ये कहें भले रैंडम ऐसा ना हो, जैसे मैं कहूं कि भाई एक ए है, ए ए की परसेंटेज 65 है, बी बी की परसेंटेज 68 है, सी सी की परसेंटेज 62 है, डी डी की परसेंटेज 78 है। तो मैं कहूं ये जो परसेंटेज है ना, ये एब्सोल्यूट परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है ना एब्सोल्यूट परसेंटेज है, जीरो के सापेक्ष ली गई है, जीरो के सापेक्ष ली गई है, तो ऐसा वो कहते हैं निरपेक्ष। जो एक के सापेक्ष होता है वो निरपेक्ष कहलाता है, जो एक के सापेक्ष होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है ना भैया। जो एक के सापेक्ष होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है। एक मिनट इंक शायद कम लग रही है, मैं एक मिनट इंक डाल लेता हूं, ठीक है। जो एक के सापेक्ष होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष कहलाता है भैया, निरपेक्ष। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं एक के सापेक्ष शक्ति बताऊं, तो अगर ए के सापेक्ष बताऊं या एक दूसरे के सापेक्ष बताऊं, जैसे ए के सापेक्ष बता रहा हूं मैं, ए के अबाउट, ठीक है ना, ए के अबाउट सबकी परसेंटेज बता रहा हूं, तो ये हो गई जीरो, ये हो गई तीन, ये हो गई माइनस तीन, ये हो गई तेरह, तो ये क्या है, किसी के सापेक्ष आ गया। तो उसी तरीके से अर्थ जो है ना, अर्थ खुद मूविंग है, उसकी खुद की पोजीशन जो है ना वो फिक्स नहीं है, अर्थ की खुद की पोजीशन जो है ना वो भी फिक्स नहीं है। तो अर्थ के सापेक्ष एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं आती, ठीक है ना, अर्थ के सापेक्ष एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं आती। तो ऐसे केस में हमें ऐसी चीजें देखनी होती है जो क्या है, स्टैटिक है। ऐसे केस में हमें ऐसी चीजें देखनी होती है जो क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक है, लाइक सन, ठीक है ना, सन हो गया, स्टार हो गया, ठीक है ना, जो आपके जो बॉडीज हैं, ठीक है ना, लाइक सन हो गया, स्टार हो गया। एक मिनट मैं इसको थोड़ा पास लेके आया हूं, ठीक है, थोड़ा और अच्छे व्यू के लिए, ठीक है ना, सन हो गया, स्टार हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट पोजीशन पता करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो है, इसमें क्या किया जाता है, एब्सोल्यूट पोजीशन पता की जाती है, ठीक है ना। इट ये क्या करता है, यूज टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट मतलब जो किसी के फिक्स चीज के सापेक्ष हो, जो खुद में ही चल रही हो, जैसे सन, स्टार, यूज टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है ना, यूज टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट पोजीशन या एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब हम बताएं कि किसी फिक्स, जैसे जीरो क्या था, फिक्स था, जीरो क्या था, फिक्स था, उसके अबाउट सबकी बताई तो वो आ गया, ठीक है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, दोबारा बात कर लेता हूं, जैसे ए बी सी डी की परसेंटेज बताई थी, 65, 68, ठीक है ना, 62, 78। तो मैंने आपको बताया कि भाई ए के सापेक्ष बात करूंगा तो 0, 3, -3 और ये 13। अगर बी के सापेक्ष बात करूंगा, बी के सापेक्ष ये ए के अबाउट है, ये बी के अबाउट है, तो बी के अबाउट -3, 0, -6 और ये आ जाएगा 10। तो ये बदल रही है ना, ऐसे अर्थ जो है खुद बदलती हुई चीज है। तो निरपेक्ष वैल्यू नहीं आती, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती, एब्सोल्यूट वैल्यू तो जो थी वो जीरो के अबाउट आई थी, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। तो जब आप निरपेक्ष बोलते हैं तो जीरो के अबाउट बात कर रहे हैं या फिक्स चीज के अबाउट बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, एब्सोल्यूट लोकेशन पता करता है किसी पॉइंट की, ठीक है, या ये कहें कि किसी लाइन की, ठीक है ना, एब्सोल्यूट डायरेक्शन,
हाँ जी, किसी लाइन की एब्सोल्यूट डायरेक्शन वगैरह पता करता है ये, ठीक है। और इसके लिए क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडी इज टेकन, ठीक है ना। या ये कहें कि भैया ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडी सच एज सन स्टार, इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडी, ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडी सच एज हेवनली बॉडी। भैया ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, सच एज स्टार्स और सन। भैया ये क्वेश्चन इससे आता है कि भैया कौन सा सर्वे है जिसमें हेवनली बॉडीज का सर्वे किया जाता है, ऑब्जर्वेशन ली जाती है। कौन सा सर्वे है जिसमें हेवनली बॉडीज की, ठीक है ना, हेवनली बॉडीज की क्या की जाती है, ऑब्जर्वेशन ली जाती है। भैया मून की मत कर देना, मून स्टैटिक नहीं है, मून नहीं है स्टैटिक, सन स्टार ये है स्टैटिक। मून मत कर देना भैया, जो जिसने रिप्लाई किया है, मून मून नहीं है भैया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या करता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो लेता है ये, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन ली जाती है, ठीक है। किसी मूल स्थिति बोलेंगे या निरपेक्ष स्थिति बोलेंगे इसको, मूल स्थिति बोलेंगे या निरपेक्ष स्थिति बोलेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका क्या है, जो किसके सापेक्ष करेंगे अपन, किसी हेवनली बॉडी जो कि खुद फिक्स है उसके अबाउट इसका सर्वे करते हैं, ठीक है। अगला एरियल सर्वे, एरियल सर्वे में क्या करते हैं, आपका कुछ ऊंचाई पे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट से क्या है बढ़िया रिजोल्यूशन में कैमरे से फोटोज वगैरह खींची जाती है और एरिया का सर्वे किया जाता है। एरियल सर्वे में कुछ ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट वगैरह लेकर के ऊपर से फोटो खींची जाती है, ठीक है ना, ऊपर से फोटो खींची जाती है और क्या किया जाता है, उनका सर्वे किया जाता है। तो वो है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे पे कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगा रहा, इन सब में आता है इसीलिए मैंने इन पे ज्यादा दिमाग लगाया। तो ऊपर से फोटो वगैरह खींची जाती है एरियल सर्वे में। नेक्स्ट आपका जो है, अगला जो है आपका अंडरग्राउंड सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे बीनीथ द अर्थ सर्फेस अपन जाएंगे, किसके लिए होता है भैया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, माइनिंग है, ठीक है ना, इन सब के लिए अंडरग्राउंड सर्वे किया जाता है। तो ये पहला जो था ना, पहला आधार वो कंप्लीट हो गया है भैया, पहला आधार कंप्लीट हो गया। एरियल सर्वे में ऊपर से एयरक्राफ्ट से फोटो वगैरह खींची जाती है भैया, जिसकी जितनी जरूरत है मैं उतना ही आपको बताता जाऊंगा, आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, जिसकी जितनी जरूरत है मैं उसी हिसाब से बताता जाऊंगा आपको, आपके क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला है आपका बी, क्लासिफिकेशन का आधार बदल गया, क्लासिफिकेशन का आधार बदल गया। किसके आधार पर, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे बोलेंगे या पर्पस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे और पर्पस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे और अपन बोल सकते हैं पर्पस, भाई उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना, ये आपका उद्देश्य के आधार पर हो गए कि उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकरण है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकरण है ना, इसमें हमारे पास क्या क्या है। पहला है इंजीनियरिंग सर्वे, हाँ जी, पहला है इंजीनियरिंग सर्वे, एक बार नाम लिख देता हूं सारे, क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्वे पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा गुप्ता एंड गुप्ता में इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना उनके लिए डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है इसमें, इंजीनियरिंग सर्वे में, ठीक है ना, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। अगला डिफेंस सर्वे या मिलिट्री सर्वे, हाँ जी, डिफेंस सर्वे या मिलिट्री सर्वे, भैया जो डिफेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है ना, ठीक है, उनके लिए जो सर्वे होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जैसे जॉब कर रहा था ना, तो उन्होंने लोकेशन ऐसी चुन रखी थी, ऐसी चुन रखी थी कि जहां पे भैया लोकल लोग जो है या जो सिविलियंस जो है वो प्रभावित ना हो, जो सामान्य जनता है वो प्रभावित ना हो, ठीक है ना, डिफेंस सर्वे। तीसरा है हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे, इसमें जो अर्थ के स्ट्रेटा वगैरह होते हैं ना वो पता किए जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे में जो अर्थ के स्ट्रेटा वगैरह होते हैं ना, आता है ना जियोलॉजी का सर्वे,
ठीक है ना, अर्थ के स्ट्रेटा वगैरह पता किए जाते हैं। जियोग्राफिकल सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे में आप क्या करते हैं, जियोग्राफिकल मैप बनाते हैं। भैया जियोग्राफी पढ़ते हैं ना आप, कि यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे ये वाली नदी है। तो जियोग्राफिकल सर्वे में आप क्या करते हैं, जियोग्राफिकल मैप बनाते हैं, ठीक है ना। पांचवा माइन सर्वे, हाँ जी माइन सर्वे, ठीक है ना, इसमें आप माइनिंग से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं, माइनिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। सातवा आपका रूट सर्वे, रूट सर्वे। सातवा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको इस तरीके से कवर कर देता हूं। सातवा रूट सर्वे, इसमें क्या करा जाता है, रूट वगैरह के निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है ना, रूट सर्वे, ठीक है। आठवा आपका रिकॉनेसेंस सर्वे, छठा रह गया ना, छठा ही है ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे रह गया, चलो कोई बात नहीं, ये छठा रूट सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे या तो मैं यहां लिख देता हूं छठे नंबर पे, कोई बात नहीं, छठा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग जो सर्वे करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग जो सर्वे करता है। सातवां रूट सर्वे, आठवां रेकोनेसेंस सर्वे, रेकोनेसेंस सर्वे। भैया रेकोनेसेंस सर्वे में क्या करते हैं, कि जो अपन को एरिया सर्वे करना होता है ना, तो वहां जाकर के विजिट करके हल्का फुल्का जो डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, वहां विजिट करके हल्का फुल्का डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है। प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे में थोड़ा सा डिटेल कलेक्ट की जाती है वहीं की, थोड़ा सा डिटेल कलेक्ट की जाती है वहीं की प्रीलिमिनरी सर्वे में, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल कलेक्ट की जाती है। और लास्ट लोकेशन सर्वे, कि भैया पॉइंट को लोकेट किया जाता है, लोकेशन सर्वे। भैया ये नोट्स है ना, मैंने आपको लॉकडाउन के दौरान डाले थे, ये लॉकडाउन के दौरान मैंने ग्रुप में डाले थे ये वाले नोट्स, इसके जो हिंदी वाले नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके मैंने लॉकडाउन के दौरान डाले थे, मैंने आज उसी ग्रुप में से ही कलेक्ट किए हैं, आपके ग्रुपों में से ही कलेक्ट किए हैं ये नोट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग सर्वे जो है आपका, इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें क्वांटिटी वगैरह निकालनी होती है डिजाइनिंग वगैरह के लिए, ठीक है ना, वो सब आता है। भैया इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्वे का ये पूछा हुआ है, बाकी आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं। भैया रट्टा नहीं मारना, दिमाग लगाओ, इंजीनियरिंग सर्वे किसके लिए करेंगे, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, कोई क्वांटिटी निकालनी है, भाई जैसे कितनी कॉन्क्रीटिंग होगी यहाँ पे, कितना एरिया इसका चाहिए, कितना वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, तो वो सब इंजीनियरिंग सर्वे में आता है। डिफेंस सर्वे, भैया डिफेंस के हिसाब से जो प्रोमिनेंट एरिया है, प्रमुख है, जैसे ज्यादातर आप पुरानी सिटी देखोगे जो डेवलप हुई पड़ी है, आप देखोगे लगभग उसके चारों ओर मिलिट्री है, ठीक है ना, वो इस तरीके से ही करते थे, ठीक है ना, तो चारों ओर मिलिट्री है। तो पहले हालांकि अब तो सिटीज क्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि ऐसी जबरदस्त हो रही है, सिटीज बढ़ती जा रही है, कि भैया मिलिट्री को भी एक्सीड कर रहा है वो सिटी, ठीक है ना, लेकिन पहले इस तरीके से होता था, ठीक है, कि आपका क्या होता था, किसी के भी एंड में, जैसे अलवर के तीनों के किनारों पर देखो, जहां से जो रास्ते जा रहे हैं दिल्ली की ओर जा रहा है, या दूसरी तरफ से भी दिल्ली की ओर जा रहा है, दूसरी तरफ से जयपुर की ओर जा रहा है, मिलिट्री मिलिट्री है इधर, ठीक है ना। तो जो उनके जो प्रोमिनेंट पॉइंट होते हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आता है, उसके लिए जो सर्वे किया जाता है, डिफेंस सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में आप क्या करते हैं, जो अर्थ के स्ट्रेटा वगैरह पता करते हैं। भैया एक एक करके कहानी सुनना, कहानी सुनोगे याद होगी। इंजीनियरिंग सर्वे में कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, कोई डिजाइन डेटा लेना है, वो सब इंजीनियरिंग सर्वे में आता है। भैया डिफेंस सर्वे में आपका क्या आता है, कि जो डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है ना, जो उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे में आप अर्थ के स्ट्रेटा वगैरह पता करते हैं, अर्थ के बारे में पता करते हैं, ठीक है ना, जियोलॉजिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे, आप जियोग्राफिकल मैप के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं और सर्वे करते हैं, वो जियोग्राफिकल सर्वे आ गया। आप जानते हैं ना जियोग्राफी मैप, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नदी है, इस तरीके से, ठीक है ना। माइन सर्वे, भैया जो आप जो माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसके लिए जो सर्वे किया जाता है वो माइन सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग जो सर्वे करता है, जो आपका था ना कि भैया ये सभ्यता मिली मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये सब किसमें आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आता है, ये सब किसमें आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आता है। रूट सर्वे, किसी से एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए जो रूट डिसाइड होता है, भैया वो झूठ ऐसे अंधाधुंध नहीं होता, उसमें ये भी देखते हैं कि भैया कई और चीजें कवर हो रही हो, जैसे मान लो आपका दिल्ली से मुंबई के लिए जाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज कवर करता है, जैसे आपका नेशनल हाईवे निकलता है, इंपॉर्टेंट सिटीज कवर करते हुए निकलते हैं। रूट सर्वे, रिकॉग्निशन सर्वे में क्या करते हैं, कि आप क्या विजिट करते हैं,
ठीक है ना, विजिट करते हैं, जैसे जहां का आपको सर्वे करना है ना, जो एरिया है उसको विजिट करके और ढूंढते हैं, ठीक है ना, विजिट करके और आप क्या करते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह पता करते हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन वगैरह देखते हैं चीजें। प्रीलिमिनरी सर्वे में उसका प्राथमिक सर्वे करते हैं आप डिटेल वगैरह, और फिर बाद में क्या करते हैं एंड में वहां पे पॉइंट वगैरह लोकेट करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट वगैरह लोकेट करते हैं। फोटो ले ली, हाँ जी फोटो ले ली। तीसरा आधार, तीसरा बेस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, हाँ जी इंस्ट्रूमेंट यूज के आधार पर क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट यूज के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, हाँ जी कौन कौन से आएगा, सबसे पहला तो चेन और टेप, चेन और टेप सर्वेइंग, हाँ जी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, दूसरा कंपास, दूसरा कंपास, तीसरा थियोडोलाइट, थियोडोलाइट, चौथा आपके पास क्या है लेवल, पांचवा प्लेन टेबल, हाँ जी ध्यान है ना आपको भैया, आपने यूज किए होंगे जब सर्वे किया होगा तो आपने यूज किए होंगे छठा टैक्योमीटर, टैक्योमीटर, सातवां ईडीएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, आठवां आपके पास टोटल स्टेशन है। भैया ईडीएम और टोटल स्टेशन में फर्क क्या है, भैया जो थियोडोलाइट होता है ना, थियोडोलाइट आपके एक तो नॉर्मल हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइटर होते हैं, ठीक है ना, तो जो टोटल स्टेशन होता है ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और ईडीएम दोनों का जोड़ होता है, ईडीएम तो दूरी नापता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंगल वगैरह नापता है, टोटल स्टेशन दोनों नापता है, तो इसमें दोनों का जोड़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट ये एक तरीके से दोनों का जोड़ रखता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का भी और ईडीएम का भी, ये दोनों का जोड़ रखता है, ठीक है ना, ये दोनों का ही जोड़ रखता है, ठीक है ना, एंगल वगैरह भी बता देगा और आपको दूरियां भी बता देगा, ठीक है ना, और लास्ट सैटेलाइट बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड, भैया ये तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हो गए, सैटेलाइट बेस्ड करते हैं ना भैया, आजकल तो आपको पता ही है कि सैटेलाइट बेस्ड बहुत जगह हो रहा है, सैटेलाइट बेस जहां पे अपन जाते नहीं है, सैटेलाइट ऊपर से ही सारा सर्वे कर लिया, इसलिए तो सैटेलाइट वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है ना, तो सैटेलाइट बेस्ड, ठीक है, तो ये आपके किसके आधार पर हो गए, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हो गए, हर एक चैप्टर डिटेल में आएगा, ठीक है ना, इनमें से जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी हर एक चैप्टर अपने आप में क्या आएगा डिटेल में आएगा, जो नहीं है सिलेबस में वो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं, रख कर दूं, और लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स, लास्ट ये सी था, ये क्लासिफिकेशन सी क्लासिफिकेशन था जो इंस्ट्रूमेंट पर आधारित था, डी क्लासिफिकेशन जो डी है लास्ट, लास्ट क्लासिफिकेशन है, आज मैं आपको प्रिंसिपल तक करा दूंगा, हाँ जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड। देखिए देखा जाए तो अलग अलग बुकें थोड़ा सा इसमें क्या अलग अलग वो दे देती है मेथड का, ठीक है, कोई किसी को मेथड कंसीडर करता है, कोई किसी को मेथड कंसीडर करता है, लेकिन मैं नॉर्मली बताऊं तो एक मेथड है ट्रैवर्सिंग, पहला ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग के अंदर देखो आपके अलग अलग मेथड कवर हो जाते हैं, ट्रैवर्सिंग के अंदर आपके अलग अलग मेथड कवर हो जाते हैं, जैसे कि चेन ट्रैवर्सिंग हो गई, चेन एंड कंपास ट्रैवर्सिंग हो गई, ठीक है ना, ट्रांजिट टेप ट्रैवर्सिंग हो गई, ट्रांजिट टेप मतलब यहाँ पे थियोडोलाइट भी आ गया, ठीक है ना, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग हो गई, तो आपका प्लेन टेबल अलग लिखना चाहो तो मर्जी है, नहीं तो प्लेन टेबल इसमें शामिल हो गया ट्रैवर्सिंग में, दूसरा लेवलिंग, मेथड के आधार पर बोल रहा हूं मैं, मेथड के आधार पर लेवलिंग अपने आप में मेथड है जिसमें ऊंचाई वगैरह से आप डील करते हैं, तीसरा टैक्योमेट्री, टैक्योमेट्री अपने आप में एक मेथड है जिसमें दूरी भी बताते हैं, दूरी भी निकल आती है और आपका क्या निकल आता है लेवल भी निकल आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग अपने आप में अलग मेथड है ये,
ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है ना, और ट्रायंगुलेशन। मेनली मेथड तो ये है किसी एरिया के सर्वे के लिए, किसी एरिया के सर्वे के लिए जो सर्वे करते हैं। ट्रायंगुलेशन का कहते हैं पहाड़ी एरिया वगैरह होता है वहां पे ट्रायंगुलेशन को प्रेफर करते हैं, उसमें पूरे एरिया की डिटेल मेथड ही है। बाकी आप कर्व और अदर चीजें लाना चाहो तो मर्जी आपकी है, पर किसी एरिया को कंफाइन करके या किसी एरिया की डिटेल जानने के लिए अपन ये पांच मेथड अपनाते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई वगैरह के लिए अपने ये ऊंचाई के लिए दो हो गई है, ठीक है ना, दूरी के लिए और ऊंचाई के लिए ये हो गया। ये आपका पूरी डिटेल एरिया को कंफाइन करके प्लेन एरिया में ट्रेवर्सिंग, और आपका जहां पर उबड़ खाबड़ हो वहां पे आप ट्रायंगुलेशन करते हैं। भैया ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, ठीक है भैया, ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। कितने लोग लाइव हैं अभी? लाइव हैं काफी लोग हैं अभी लाइव, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है भैया, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। हाँ जी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई दिक्कत या डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ भैया, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत या डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, चलिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हाँ जी, कितने प्रिंसिपल है सर्वेइंग के, कितने प्रिंसिपल है सर्वेइंग के, एक मिनट, फोटोग्रामेट्री अलग है, वो फोटो वगैरह करते हैं ना, फोटोग्रामेट्री भी एक तरीके का मेथड हो जाता है, आप फोटोग्रामेट्री भी एक तरीके का मेथड हो जाता है, टेक्टोमेट्री मेथड है अपने आप में, ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है ना, टेक्टोमेट्री मेथड है और इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। भैया फोटोग्रामेट्री लेना चाहो ले लो, फोटोग्रामेट्री आप फोटो वगैरह खींचते हैं ऊपर से, लेना चाहो तो मर्जी है आपकी, ठीक है ना, फोटोग्रामेट्री। भैया कर्व कर भी सकते हैं शामिल और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मेथड में आप ऐसा है ना, कर्व में तो कर्व बना रहे हैं तो उसमें कोई डिटेल वगैरह तो कलेक्ट कर नहीं रहे हैं, कोई डिटेल तो कलेक्ट कर नहीं रहे हैं, मेथड है डिटेल कलेक्ट करने के आधार पे। मैं कह रहा हूं ना, अलग अलग बुक अलग अलग देती है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा अगर दिक्कत हो तो, अगर आपको दिक्कत हो तो बुकों के फोटोज भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। कर्व जो है किसी मतलब ऐसा मेथड नहीं है जो डिटेल वगैरह कलेक्ट करने के लिए होता हो, कर्व तो आपको क्या है कि कर्व बनाने के लिए आते हैं यूज, ये तो वो है जो डिटेल कलेक्ट करने के लिए आते हैं कि भाई ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, टेक्योमेट्री कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कर रहे हैं। टेक्योमेट्री में क्या होता है कि आपका जो है, ठीक है, टेक्योमेट्री में क्या होता है आपका कि भाई दूरी भी आ जाती है और ऊंचाई भी आ जाती है, टेक्योमेट्री अपने आप में मेथड है, ठीक है। और मेरे हिसाब से राजस्थान जेई के सिलेबस में नहीं है, एसएससी जेई के सिलेबस में है, तो मैंने पहले कराया हुआ है, इसमें जो ओल्ड स्टूडेंट बैठे होंगे उन्होंने कर रखा है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं भैया, सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हाँ जी, प्रिंसिपल दो है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, अंश से पूर्ण की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, जवाब है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इसका क्या फायदा होता है, हाँ जी, इसका क्या फायदा होता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या फायदा होता है, हाँ जी, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या फायदा होता है, ये त्रुटियों के संचयन को रोक लेता है, क्योंकि छोटे छोटे भाग से जोड़ेंगे ना तो त्रुटियां संचयित होती जाएंगी। इट प्रिवेंट दी अकुमुलेशन ऑफ एरर, इट प्रिवेंट दी अकुमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है ना, इट प्रिवेंट दी अकुमुलेशन ऑफ एरर। इट प्रिवेंट दी अकुमुलेशन ऑफ एरर, यह एरर के या त्रुटियों के संचयन को रोकता है, यह त्रुटियों के संचयन को रोकता है, यह त्रुटियों के संचयन को रोकता है, ठीक है, यह त्रुटियों के संचयन को रोकता है, ठीक है। या हम ये कहें इट लोकलाइज द एरर, दैट मींस
वन एरर ऑफ वन पार्ट डज नॉट अफेक्ट द एरर ऑफ अनदर पार्ट, इट लोकलाइज, लोकलाइज कर देता है एरर को, आगे नहीं बढ़ने देता, इट लोकलाइज द एरर, दैट मींस एरर, दैट मींस एरर ऑफ वन पार्ट, एरर ऑफ वन पार्ट डज नॉट अफेक्ट द एरर ऑफ अनदर पार्ट, डज नॉट अफेक्ट द एरर ऑफ अनदर पार्ट, एरर ऑफ वन पार्ट डज नॉट अफेक्ट द एरर ऑफ अनदर पार्ट, एरर ऑफ अनदर पार्ट। भैया दूसरे भाग की एरर, एक भाग की एरर दूसरे भाग की एरर को प्रभावित नहीं करती, भैया हिंदी बोल दे रहा हूं सुन लेना, यह क्या कहता है, एरर को लोकलाइज कर देता है, एक भाग की एरर दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती, एक भाग की एरर दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती, ठीक है भैया। ये पहला प्रिंसिपल था, दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है रब कर रहा हूं इसको, भैया दूसरा प्रिंसिपल क्या है, टू लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी किसी भी बिंदु की स्थिति कम से कम दो निर्देश बिंदुओं से दो स्वतंत्र नाप लेकर ज्ञात की जाती है, ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति सेकंड, हाँ जी, लोकेशन टू लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट इंडिपेंडेंट मेजरमेंट बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, स्वतंत्र नाप होनी चाहिए, टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, ठीक है ना, टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाँ जी, दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति, किसी भी बिंदु की स्थिति, हाँ जी, किसी भी बिंदु की स्थिति कम से कम दो निर्देश बिंदुओं के, कम से कम दो निर्देश बिंदुओं के सापेक्ष, कम से कम दो निर्देश बिंदुओं के सापेक्ष, दो निर्देश बिंदुओं के सापेक्ष स्वतंत्र मापन के द्वारा, स्वतंत्र मापन के द्वारा बताई जाती है, ठीक है ना, स्वतंत्र मापन के द्वारा बताई जाती है या ज्ञात की जाती है, ये कह दो, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है ना, तो दो रेफरेंस पॉइंट से एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट क्या बोला, ऐसा ऐसा नहीं कि एक को नापा फिर दोबारा उसी को नाप दिया, तो ये इंडिपेंडेंट, ये एक नापोगे तो दूसरी उससे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक नापोगे तो दूसरी उससे क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। रफ कर रहा हूं इसको भैया, रफ कर रहा हूं इसको, इसमें एक है ना आपका जो यूथ की बुक आती है उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, तो वो मैं बता देता हूं कि भाई कैसे कैसे लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं, ये यूथ की बुक आती है एक, उसमें जैसे दिया हुआ है, तो जैसे आपका जो है कि ये आपके पास पहले से ही पॉइंट निर्धारित है ए बी, हमें तीसरा पॉइंट निर्धारित करना है सी, अगर आप ये लीनियर मेजरमेंट से कर रहे हैं, ये जनरली आपका चेन सर्वे में यूज होता है, ये लीनियर, ये दूरी आ गई, ठीक है ना, ये किसमें होता है, जनरली इन चेन सर्वे, जनरली इन चेन सर्वे, चेन सर्वे में ही आता है, जनरली इन चेन सर्वे, ठीक है ना, चेन सर्वे में ही आता है, ठीक है ना। अगर आप डिटेल डिफाइन करना है, ये बीसी पूनमिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये बीसी पूनमिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई यहां से ए और बी दो पॉइंट थे, यहां पे तीसरा पॉइंट ले लिया डी, और इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर वो बता दी दूरी, तो आपने एक तो डी को निर्धारण किया, एक आपने ये सी के लिए दूरी ली 90 डिग्री पर, ठीक है ना, तो दो दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट हो गए, चाहे ए से डी ले लिया या बी से डी, एक मेजरमेंट तो ये और दूसरा डी से सी, ऐसा क्या करते हैं, डिफाइनिंग डिटेल, जनरली फॉर डिफाइनिंग डिटेल, जनरली फॉर डिफाइनिंग डिटेल, भैया डिटेल वगैरह लेते हैं ना अपन,
ऑफसेट वगैरह, तो वो इसी तरीके से लेते हैं कि डिटेल्स बताने के लिए होते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग में आपका क्या हो जाता है, एंगल भी हो जाएगा, ठीक है जी, एंगल भी हो जाएगा और दूरी भी हो जाएगी। तो ऐसे भी बता सकते हो कि भाई ए बी था, बीसी की दूरी भी ले ली और ए बी से बीसी का एंगल भी ले लिया, तो ये आपका किसमें होता है, ट्रैवर्सिंग में, जनरली यूज्ड इन ट्रैवर्सिंग। तो ये मैं बीसी पूनम यहां से बता रहा हूं, ये सारी बातें जनरली यूज्ड इन ट्रैवर्सिंग। फोटो लो तो मैं इसको मिटाऊंगा फिर अगले बताऊंगा, जनरली यूज्ड इन ट्रैवर्सिंग। फोटो ले लो, तो दो और है वो और बताऊंगा, आइए ले ली फोटो, रब कर रहा हूं इसको। भैया एक बात और, इसकी रिकॉर्डेड क्लास में सॉइल वाले में डालूंगा, इसकी रिकॉर्डेड क्लास में सॉइल वाले में डालूंगा, इसकी रिकॉर्डेड क्लास में सॉइल वाले में डाल दूंगा, सॉइल को सॉइल और सर्वे का ग्रुप कर दूंगा मैं, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने स्पेस बढ़वा दी है, अब धीरे धीरे आपको ज्यादा क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा, ध्यान लीजिएगा, ये आपका जैसे है कि भैया ये लंबाई हो गई ए बी, और यहां से दोनों से ही कौन नापे, ऑनली कौन नाप के ट्रायंगल बनाया है, कौन नाप के, दोनों से ही कौन नापे, हाँ जी दोनों से ही कौन नापे, ठीक है, तब सी लोकेट किया। ये किसमें यूज होता है, ट्रायंगुलेशन में, कि भैया क्यों, वहां पे जनरली पहाड़ी एरिया होता है तो दूरी तो नापी नहीं जाती, तो एंगल वगैरह नाप के करते हैं, हाँ जी पहाड़ी वगैरह होती है ना तो दूरी तो नापी नहीं जाती, तो एंगल वगैरह नाप के करते हैं, तो जनरली इन ट्रायंगुलेशन। ट्रैवर्सिंग में एक और तरीका भी होता है, ट्रैवर्सिंग में एक और तरीका भी होता है कि भैया एक से तो लंबाई नाप ली और एक से आपने कोण नाप लिया, उससे भी आप बना सकते हो, भैया ये आप पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, तो एक से तो लंबाई नाप ली, एक मेजरमेंट तो ये हो गई और दूसरी मेजरमेंट ये कोण हो गया, तो ये भी आपका ट्रैवर्सिंग में यूज होता है। भैया मैं बीसी पूनमिया के हिसाब से बता रहा हूं ये सब, ठीक है। ये पूरा हुआ आपका प्रिंसिपल, हाँ जी ये पूरा हुआ आपका प्रिंसिपल का खेल यहां पर हुआ। हाँ जी, आगे अगर हिम्मत हो तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो मैं ऑफ करूं, बोलो आगे अगर हिम्मत है तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो मैं ऑफ करूं, ठीक है, कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं जी, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, थोड़ा सा स्केल का आइडिया जरूर दे देता हूं मैं, हाँ जी थोड़ा सा स्केल का आइडिया जरूर दे देता हूं मैं, हाँ जी थोड़ा सा स्केल का आइडिया जरूर दे देता हूं मैं। भैया स्केल किसी भी शीट या मैप को बनाना है, मैप को बनाना है या प्लान को बनाना है, ठीक है ना, मैप या प्लान को बनाना है, तो अपन क्या करते हैं ऐसे केस में स्केल की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, स्केल की जरूरत होती है। तो स्केल के लिए बात करें तो स्केल एक क्या फिक्स रेशियो है, ठीक है ना, स्केल क्या है, फिक्स रेशियो है, ये एक रेशियो है, ठीक है ना, जिसमें क्या आता है, लेंथ ऑन मैप और प्लान, भैया ये एक फिक्स रेशियो है जो लंबाई मैप और प्लान पर है, बटे में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, बटे में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, ये आपका स्केल कहलाता है, पैमाना, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, ये आपका कहलाता है पैमाना, ठीक है ना, ये आपका कहलाता है पैमाना, ठीक है, कि भाई लेंथ जो है मैप और प्लान पर बटे में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पर जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर थी आपके किस पे, 10 मीटर ग्राउंड पर है, उसके बदले आपने बनाया 1 सेंटीमीटर बनाया शीट पर, तो भैया आप ये लिखोगे 1 सेंटीमीटर बटे में 10 मीटर, ठीक है ना, आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर बटे में 10 मीटर, और इसके अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन में अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो स्केल क्या रेशियो है, लेंथ ऑन मैप और प्लान, ठीक है ना, बटे में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, ठीक है, ये मैप और प्लान में क्या फर्क होता है, ठीक है, जनरली मैप लार्जर एरिया के लिए बनाते हैं, प्लान स्मॉलर एरिया के लिए बनाते हैं, मैप में डिटेल ज्यादा होती है, प्लान में स्पेसिफिक डिटेल होती है, प्लान होता है ना स्पेसिफिक बात होती है, प्लान में ज्यादा बातें नहीं होती, मैप में ज्यादा बातें होती हैं, प्लान में स्पेसिफिक बातें होती हैं, ठीक है ना, दोनों आते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से, ठीक है ना, ऊपर से जो लेते हैं ना अपन, ऊपर से लेते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से आते हैं, ठीक है ना, प्लान का स्केल बड़ा होता है, मैप का स्केल छोटा होता है, प्लान का जो स्केल होता है ना वो बड़ा होता है, जबकि मैप का स्केल जो होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है, ये छोटा बड़ा कैसे आता है ये आप सीखेंगे अभी, ठीक है ना, आज लगभग इसको सिखा दूंगा मैं,
ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं, ये आपका लेंथ और मैप और प्लान हो गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग इसी के सापेक्ष की लेंथ लेनी है, ऐसे अंधाधुंध नहीं लेनी, ठीक है ना, इसी के सापेक्ष की जो लेंथ लेनी है ग्राउंड पर है, जो वास्तविक लंबाई है वो आ जाएगी, ठीक है। अब स्केल का रिप्रेजेंटेशन तो दो तरीके से है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, अब बहुत जल्दी निपट जाएगी सर्वे, इसी मंथ खत्म कर दूंगा मैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, हाँ जी, स्केल का प्रदर्शन तो दो तरीके से प्रदर्शित होता है स्केल, स्केल दो तरीके से प्रदर्शित होता है, एक है न्यूमेरिकल और एक है ग्राफिकल, हाँ जी, एक है न्यूमेरिकल और एक है ग्राफिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल है और ग्राफिकल स्केल है। न्यूमेरिकल में दो है, न्यूमेरिकल में दो है, इंजीनियर्स स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है ना, और अगला है ग्राफिकल स्केल, ठीक है। तो ये अपना है, तो एक एक करके बात करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन होता है, ठीक है ना, एक एक करके बात करते हैं, इंजीनियर्स फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके स्केल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, हाँ जी, रफ कर रहा हूं मैं इसको, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले इंजीनियर्स स्केल, हाँ जी, इंजीनियर्स स्केल, तो इंजीनियर्स स्केल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपन लेफ्ट साइड में तो लिखते हैं लेंथ ऑन मैप और प्लान, इक्वल करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, इसका इस तरीके से आता है कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, हाँ जी, एक सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, जैसे ये है एक सेंटीमीटर, एग्जांपल है भैया, एक सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो ये इंजीनियर्स स्केल होता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल स्केल का एक हिस्सा है, न्यूमेरिकल स्केल का एक हिस्सा है, ठीक है ना, कि इंजीनियर्स स्केल, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल स्केल का एक हिस्सा है इंजीनियर्स स्केल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल स्केल का एक हिस्सा है, अभी अभी बताया था ना मैंने, इंजीनियर्स स्केल, ठीक है। दूसरा हमारा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ, इसमें क्या करते हैं, पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं, हाँ जी, इसमें क्या करते हैं, पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में बदलते हैं, पी बाई क्यू के रूप में, यानी लेंथ ऑन मैप, अभी जैसे रेशियो था ना वैसा, लेंथ ऑन मैप और प्लान बटे में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन ग्राउंड मतलब जो आपकी सापेक्षिक लंबाई है ग्राउंड पर वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये आपका आ गया आरएफ, ठीक है, ये आपका आ गया आरएफ, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, सॉरी इसमें बॉक्स में बंद कर रहा हूं, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में ले लिया, जैसे मैं कन्वर्ट करूं, एक सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं ना पी बाई क्यू के रूप में, तो आपका एक सेंटीमीटर बटे में 10 मीटर, 10 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, तो ये आरएफ आ गया इसका 1/1000, हाँ जी, आरएफ आ गया इसका 1/1000, हाँ जी, आरएफ आ गया 1/1000, ठीक है ना, आरएफ आ गया 1/1000, ठीक है। ये इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, ठीक है ना, इसको रफ कर रहा हूं भैया, फोटो ले लीजिएगा इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल स्केल के दोनों हिस्से हो गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर में यानी डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही छोटा स्केल होगा, लार्जर द नंबर इन डिनोमिनेटर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जर द नंबर इन डिनोमिनेटर, लार्जर द नंबर इन डिनोमिनेटर स्मॉलर विल बी द स्केल,
स्मॉलर विल बी दी स्केल, या फिर इसका उल्टा, या फिर इसका उल्टा, स्मॉलर द नंबर इन डिनोमिनेटर, भाई ऐसे पी बाई क्यू के रूप में बदल लो, स्मॉलर द नंबर इन डिनोमिनेटर, स्मॉलर द नंबर इन डिनोमिनेटर, लार्जर विल बी दी स्केल। हिंदी लिख रहा हूं भैया, हिंदी लिख रहा हूं, हर में छोटी, हर में बड़ी संख्या, स्केल छोटा होगा, पैमाना छोटा होगा, पैमाना छोटा होगा। हर में बड़ी संख्या, ये हर में छोटी संख्या, सॉरी हर में छोटी संख्या, पैमाना बड़ा होगा, पैमाना बड़ा होगा, ठीक है। स्मॉलर द नंबर इन डिनोमिनेटर, लार्जर विल बी द स्केल, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता का एग्जांपल है, ठीक है ना। एक बार डेटा डाल दीजिएगा, डेटा डाल दीजिएगा, गुप्ता एंड गुप्ता में पूछा है लार्जर स्केल, हाँ जी, गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चन पूछा है लार्जर स्केल, हाँ जी। किसी के बाद गुप्ता एंड गुप्ता भी एक बार डेटा डाल दीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन का डेटा डाल दीजिएगा। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, रफ कर रहा है इसको, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार डेटा डाल दीजिएगा प्लीज कोई, हाँ जी। पहला पहला क्वेश्चन है गुप्ता गुप्ता का, ठीक है ना। क्वेश्चन वन है गुप्ता गुप्ता का, पूछा है लार्जर स्केल, लार्जर स्केल पूछा उसने, कौन सा लार्जर है, ठीक है ना। तो आपके पास एक बार मैं देख लेता हूं जो लड़कों भेज रहे हैं ऑप्शंस, तो पहला ए ऑप्शन है उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1:42,000, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बताइए, सी ऑप्शन क्या है जी, हाँ जी सी ऑप्शन क्या है बताना एक बार, हाँ भैया सी ऑप्शन 1/2, एक मिनट, 1, 2, 3, 1/3 लाख है क्या, हाँ 1/3 लाख है, एक बटे में 3 लाख है। और अगला 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, ठीक है भैया ये डेटा आ गया मेरे पास। अब सबको पी बाई क्यू के रूप में बदल लो, अब सबको पी बाई क्यू के रूप में बदल लो, सबको पी बाई क्यू के रूप में बदल लो। तो 1 सेंटीमीटर/50 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदला, ठीक है जी, ठीक है, आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो ये आ जाएगा 5,000, तो ये आ गया 1/5,000, ये 1/42,000, ये 1/3 लाख पहले से ही है, इसको और बदल लूं तो 50 किलोमीटर को, 50 किलोमीटर को पहले तो 1,000 से गुणा करके मीटर में, फिर 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में, तो ये आपका सेंटीमीटर हटा दीजिए, सेम यूनिट कर दिया आपने, सेम यूनिट कर दीजिए बस, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे यूनिट सेम कर दीजिए बस, इकाई सेम कर दीजिए। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहां है, सबसे छोटी संख्या यहां है, तो ये सबसे बड़ा स्केल होगा, सबसे बड़ा स्केल ही होगा, लार्जर स्केल ही होगा, स्मॉलर स्केल ही होगा, डी वाला सबसे स्मॉलर ही होगा, सबसे स्मॉलर, सबसे बड़ी संख्या यहां है, सबसे स्मॉलर स्केल आएगा, सबसे लार्जर स्केल आ गया ए वाला, हर में संख्या छोटी स्केल बड़ा, हर में संख्या बड़ी स्केल छोटा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, तो वो आप कर सकते हैं। लास्ट ग्राफिकल स्केल, लास्ट ग्राफिकल स्केल, तो ए आंसर आ जाएगा लार्जर स्केल पूछा है तो, और स्मॉलर पूछता तो डी आता, ठीक है। बस यूनिट सेम करनी है ऊपर और नीचे, यूनिट सेम करनी है, रेशियो के रूप में लाना है, पी बाई क्यू के रूप में लाना है, ठीक है ना। ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल आपकी इज्जत बचाता है, ग्राफिकल स्केल आपकी इज्जत बचाता है। आज आपने मैप बना लिया, इज्जत कैसे बचाएगा मैं बताता हूं, आज आपने मैप बना लिया, मैप बना करके और उसे छोड़ दिया और उसमें बनाया न्यूमेरिकल स्केल, भैया ये मैप बनाया, मैप में आपने न्यूमेरिकल स्केल लिखा, ठीक है ना, मैप में आपने न्यूमेरिकल स्केल लिखा और यहां पे लाइन खींची थी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, लाइन खींची थी 10 सेंटीमीटर की, बस अंदर जो है ना वही वास्तव में शीट पे था, अंदर जो है वही शीट पे था, ये लाइन कितने की थी 10 सेंटीमीटर की, ठीक
ठीक है, मैं बाहर इसमें लिख रहा हूं तो लिखा हुआ नहीं है, अब जो बाहर लिखा हुआ ना वो शीट पर लिखा हुआ नहीं है। लाइन थी 10 सेंटीमीटर की, जो कि किसके सापेक्ष थी, 100 मीटर के सापेक्ष हो गई। भैया एक सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, एक सेंटीमीटर बराबर, ये स्केल था यहाँ पे भैया, ये स्केल था, एक सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो आपका 10 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर हो गया। आज से 100 साल बाद, ठीक है ना, 100 साल बाद ये सिकुड़ गई भैया, ये लाइन क्या हो गई, सिकुड़ गई भैया। मैप श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, ठीक है ना, मैप क्या था, श्रिंक होता है समय के साथ, सिकुड़ता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सिकुड़ करके रह गई 9.5 सेंटीमीटर की, कितने की रह गई, 9.5 सेंटीमीटर की, 100 साल बाद, ठीक है ना, आफ्टर 100 ईयर, 100 साल बाद, ठीक है, सिकुड़ के रह गई। आपके पोते ने देखा, पोते ने देखा, उसने कहा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 9.5 सेंटीमीटर हो गया, 95 मीटर, और वो गया नापने, नापने गया तो उसे 100 मीटर मिली, और आपने लिख रखा था 95 मीटर, तो यार वो तो कहेगा यार उस टाइम तो जमीन की औकात, यानी जमीन की जो वैल्यू है वो और ज्यादा होगी, तो आपको गालियां देगा, यार कैसा आदमी है 5 मीटर की गलती कर दी, यार ये तो बेवकूफ आदमी है 5 मीटर की गलती कर रही, ठीक है ना। तो भैया वो तो आपको बेवकूफ कहेगा 100 साल बाद, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल स्केल अपनाया है, ठीक है ना, आपने क्या अपनाया, न्यूमेरिकल स्केल अपनाया है। ये किसका है, ये न्यूमेरिकल स्केल का हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे आप ग्राफिकल स्केल अपनाओगे, ग्राफिकल स्केल कैसे अपनाते हैं, ग्राफिकल स्केल में खींचते हैं एक लाइन, हाँ जी, ग्राफिकल स्केल में क्या करते हैं, खींचते हैं एक लाइन और उस लाइन के ऊपर उस डायमेंशन को लिख देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये लाइन खींची है 1 सेंटीमीटर की, बाहर वो लिख रहा हूं जो मैप पर नहीं होगा, ठीक है ना, और उस पर लिख दी 10 मीटर, हाँ जी, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची और उस पर लिख दिया 10 मीटर, और यहां 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो ये हो गया 100 मीटर, ठीक है। अब मैप सिकुड़ा 100 साल बाद, यहां पे भी वही स्थिति 100 साल बाद, भैया ये आपका ग्राफिकल स्केल हो चुका है, लाइन खींची और कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशन लिख दी, 100 साल बाद लाइन सिकुड़ी, ये लाइन जो है 9.5 सेंटीमीटर हो गई, ये लाइन जो है 9.5 सेंटीमीटर हो गई, ये लाइन 9.5 सेंटीमीटर रह गई, ठीक है ना, ये लाइन 9.5 सेंटीमीटर रह गई। तो ये वाली लाइन भी तो जो 1 सेंटीमीटर की है, ये वाली लाइन भी जो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, ये वाली लाइन जो है ना जो 1 सेंटीमीटर की है, ये भी तो 0.95 की रह जाएगी, हाँ जी, ये वाली लाइन भी तो 0.95 की रह जाएगी। भाई मैप सिकुड़ेगा तो दोनों का सिकुड़ेगा ना, हाँ जी, मैप सिकुड़ेगा तो दोनों के लिए सिकुड़ेगा। तो 0.95 सेंटीमीटर का 10 मीटर है, 0.95 सेंटीमीटर का 10 मीटर है, तो 9.5 सेंटीमीटर 100 मीटर ही आएगा। तो भैया ये फायदा होता है ग्राफिकल स्केल का, कि मैप के सिकुड़ने के बाद भी सही डायमेंशन पढ़ी जा सकती है। तो ग्राफिकल स्केल का एडवांटेज क्या है, ग्राफिकल स्केल हैज एन एडवांटेज दैट इवन आफ्टर श्रिंकिंग ऑफ मैप द मैप कैन बी रीड करेक्टली, डायमेंशन कैन बी रीड करेक्टली, मैप के सिकुड़ने के बाद भी डायमेंशन सही से पढ़ी जा सकती है और गाली खाने से बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका, ठीक है, इसके लिए मेरे को एक जोक भी ध्यान आता है, ठीक है ना, इसके लिए मेरे को एक जोक भी ध्यान आता है। एक आदमी अपने घर में होता है तो दूसरा आदमी उसे पीटने आता है, तो उसे थप्पड़ मार देता है, तो वो बंदा कहता है तूने मुझे तो मार दिया, तेरे में दम है तो मेरी वाइफ को मार के बता, उसकी वाइफ को भी थप्पड़ मार देता है, ठीक है ना, कहता तूने तूने मुझे और मेरी वाइफ को मार दिया, तुझ में दम है तो मेरे बेटे को थप्पड़ मार के बता, उसके बेटे को भी थप्पड़ मार देता है, कहता है कि तूने मुझे मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, दम है तो मेरी बेटी को थप्पड़ मार के बता, वो उसकी बेटी को भी थप्पड़ मार देता है, ठीक है ना, और चला जाता है। तो एक बाहर से एक आदमी उसको देख रहा होता है, ठीक है ना, वो उससे पूछता है यार तू खुद तो पिटा, तूने सबको पिटवाया, बोले यार उसकी एक वजह है, अगर मैं अकेला पिटता तो ये सब मेरे ऊपर हंसते, अब हंसेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो वही है, सजा सबको बराबर मिल गई तो पता ही नहीं लगा, ठीक है ना, जितना ये सिकुड़ा उतना ही ये भी सिकुड़ गया, तो सजा क्या है, सबको बराबर मिल गई, कोई एक दूसरे पर नहीं हंसेगा, यानी ये बंदा 100 साल बाद आपका पोता जो है वो आप पर नहीं हंसेगा, उसको सही डायमेंशन मिलेगी, क्योंकि उसकी जो स्केल है वो भी बदल गया, उसका जो स्केल है वो भी बदल गया, ठीक है भैया। तो ग्राफिकल स्केल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया, कि एक लाइन खींच देते हैं और उसके ऊपर डायमेंशन लिख देते हैं, ये ग्राफिकल स्केल होता है। और इसका एडवांटेज क्या है, कि मैप के सिकुड़ने के बाद भी इवन आफ्टर श्रिंकिंग ऑफ मैप डायमेंशन कैन बी रीड करेक्टली, डायमेंशन कैन बी रीड करेक्टली। सही से पढ़ी जा सकती है। तो चलिए मैं आज की क्लास यहीं ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, आज की क्लास मैं यहां ऑफ कर रहा हूं, ठीक है जी, आज की क्लास मैं यहां ऑफ कर रहा हूं।